हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ड्रीम्स इलेवन प्रो प्लस की इस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेके आए हूँ जो ऑसी ओडीआई कप में मैच खेला जाएगा, वो खेला जाएगा विक्टोरिया वर्सेस क्विंसलैंड के बीच में। तो फ्रेंड्स, बात करें उसके पहले आपने आप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो मिस न कर पाए। और फ्रेंड्स, बात करें इस मैच की, तो इसमें आपको मैं दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन दूंगा, जो पॉसिबल प्लेइंग इलेवन है और जो इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके ऑप्शन दूंगा, ग्रैंड लीग वाइस और ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन दूंगा। उसके बाद बात करें आपको इसमें कुछ न्यूज़ दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें इस मैच की, तो ये मैच इस मैच की बात करें तो फ्रेंड्स, जहाँ पर ये मैच खेला जाएगा उस जो पिच है वो पिच मोस्टली बैटिंग पिच मानी जाती है। और उसके बाद बात करें एक न्यूज़ की, बट वो न्यूज़ तो हमारे और आपके लिए कोई खास नहीं है, बट न्यूज़ है इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कि जो हैंडसकॉम है वो इस मैच के लिए विक्टोरिया टीम में ज्वाइन हो चुके हैं, बट उन्हें ड्रीम इलेवन के जो एप्लीकेशन है उसमें उन्हें ऐड नहीं किया गया है। तो ये एक न्यूज़ थी, तो मैं आपको सोचा दे दूँ। उसके बाद बात की जो कि टीम पेना और डैनियल किचन, वो तो नहीं खेलेंगे क्योंकि वो इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की टी20 मैच के लिए स्क्वाड के लिए ज्वाइन होने जा रहे हैं। उसके बाद बात करें कि जो कि हैंसिंग और हॉलैंड है, ये नहीं खेलेंगे क्योंकि इन्हें इंजरीज है। और उसके बाद बात करें जो विकेट कीपर में, तो पैटर्सन विकेट कीपर में के लिए काफ़ी अच्छी खासी ऑप्शन है और हो सकता है, मतलब कि काफ़ी अच्छी खासी ऑप्शन है और दोनों विकेट कीपर अच्छे हैं, बट मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप पैटर्सन को ही लीजिए। उसके बाद बात करें कि जो मार्कस और कैथवराइट, ये दोनों ओपन करेंगे विक्टोरिया के लिए, और ख्वाजा और रेंशो, ये दोनों ओपन करेंगे क्विंसलैंड के लिए। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, अगर हैंडस्कॉप खेलते हैं तो जो कि विल है, विल इन्हें बैठना पड़ जाएगा, और विल या हैंडस्कॉप दोनों में से कोई एक खेलेगा। और इसके अलावा कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। तो अब हम बात करते हैं दोनों टीम की प्लेइंग एलेवन के बारे में। तो इसमें है जो विक्टोरिया की जो प्लेइंग एलेवन है, इसमें है मार्कस कैथवराइट, सॉरी कैमरन वाइट, और उसके बाद हैं ट्रेविस विल हैं, विल या हैंडसॉप दोनों में से कोई खेला। उसके बाद हैं सब, उसके बाद सब बर्ट हैं, उसके बाद सैम हैपर हैं जो कि मोस्टली विकेट कीपर हैं। उसके बाद बात करें मैथ्यू शॉट है, फिर पीटर हैं, फिर उसके बाद हैं ट्रेमेन, उसके बाद स्कॉट और फवाद अहमद। अब बात करें जो कि क्विंसलैंड की जो प्लेइंग एलेवन है, उसमें है ख्वाजा, रेनशो, जोए, उसके बाद हैं मैनस, फिर जिमी, फिर विल्डरमाउथ, बेनकटिंग, मिचलर से, और फिर जैक्सन, उसके बाद ब्रेंडन, और फिर मिचल है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई दोनों टीम की प्लेइंग एलेवन। तो अब हम बात करें जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं विक्टोरिया के उनके बारे में। तो इसमें है मार्कस ट्रेविस और कैरन वाइट। आप इन तीनों को ही कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। उसके बाद सब बॉट इन्हें आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में, अब ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन के ऑप्शन में ले सकते हैं। इसके बाद बात करें मैथ्यू शॉट, आप इन्हें ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं और स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन बना सकते हैं। उसके बाद बात करें सैम पर स्विट्स के बाद बात करें पीटर जो कि काफ़ी अच्छी खासे ऑलराउंडर हैं, और इन्हें आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद बात करें उसके बाद स्कॉट। और फ्रेंड्स, एक न्यूज़ है जो मैं आपको, मतलब ये हमारे लिए सिर्फ एक न्यूज़ के लिए है, बाकी हमारे कुछ काम का नहीं है। अगर इन्हें ग्रैंड ड्रीम इलेवन की टीम अप्रूवल कर देती है, इन्हें अपने जो एप्लीकेशन में ऐड करती है, तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, बट फिलहाल तो नहीं है जो हैंडस्कॉम है। और फ्रेंड्स, उसके बाद बात करें जो क्विंसलैंड की जो क्विंस इलेवन की जो इम्पॉर्टेंट प्लेयर है उसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देते जाऊँगा इन प्लेयर के बारे में। एक छोटा सा रिव्यू देता हूँ। बात करें रेंशो, जिन्हें आप कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं, ये ओपन करते हैं और एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन है और ये बड़ी इनिंग खेल सकते हैं। उसके बाद बात करें पैटर्सन की, तो जो पैटर्सन एक विकेट कीपर है और ये अपने टीम में एक बिग हिटर के लिए जाने जाते हैं। और उसके बाद बात करें उस्मान ख्वाजा की, तो ये एक बेस्ट बैट्समैन है, बट ये कुछ मैच में अपने फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, तो अगर चल गए तो भाई बड़े बैट्समैन हैं, तो फिर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद बात करें जो जोई जोबर्न की,
तो ये वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन हैं अपनी टीम के लिए, तो आप इन्हें भी कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन में रख सकते हैं। और आप पर्सन को आप चाहे तो वाइस कैप्टन रख सकते हैं ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग दोनों में ही। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, उसके बाद बात करें जो कि एक जो हेजल्ट हैं, जो हेजल्ट हैं इन्हें सिर्फ 4% लोग ने लिया है, और ये कोई अब तक कोई मैच नहीं खेले, बट एक मैंने इन्हें अपने जो ये प्लेइंग 11 में मैंने इन्हें इसमें भी ऐड नहीं किया है, बट एक न्यूज़ है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये एक बेस्ट ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं और ये बहुत ही अच्छे शॉट खेलते हैं, बट रिस्क है ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर आप इन्हें चाहे तो एक टीम में एज इन रिस्क के थ्रू ग्रैंड लीग में कैप्टन या वाइस कैप्टन रख सकते हैं, क्योंकि इन्हें से अभी तक ओनली 4% लोग ने ही लिया है। उसके बाद बात करें मैनेस की, तो मैनेस जो है ये इन्हें आप चाहे तो स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन बना सकते हैं और चाहे तो ग्रैंड लीग में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बॉलिंग में अपने 3 से 4 ओवर करते हैं और एक अच्छे बैट्समैन है, और ये लास्ट मैच में मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए चुने गए थे। लास्ट के टूर्नामेंट में ये मैन ऑफ द सीरीज मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे। इसके बाद बात करें विल्डरमाउथ, तो विल्डरमाउथ एक बॉलर के साथ में एक अच्छे हिटर भी हैं, तो आपने कैप्टन इन्हें वाइस कैप्टन या ग्रैंड लीग में चाहे तो कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। इसके बाद बात करें वेनगटिंग की, तो आप नहीं जानते हैं आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। इसके बाद नेसर की बात करें, तो आप एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो आप चाहे तो इन्हें कैप्टन स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन और ग्रैंड लीग में चाहे तो कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी हिटर हैं नेसर। तो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। आप दोनों टीम के फटाफट प्लेइंग 11 देख लीजिए, दोनों टीम के आप फटाफट प्लेइंग 11 देख लीजिए, और अब आप विक्टोरिया की जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो देख लीजिए फटाफट। उसके बाद बात करें आप क्वींसलैंड की, आप फटाफट दोनों टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर और कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन देख सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।